पंचायत चुनाव के रिक्त 3 सीटों पर रविवार को उपचुनाव कराया जाएगा, जिसमें कुल 9 बूथों पर मतदान होगा। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में 3 सीटों पर उम्मीदवारों की मौत हो गई थी, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने तीनों गांव में पंचायत चुनाव पर रोक लगा दिया था। जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि खोराबार में प्रधान पद के लिए रविवार को 6 बूथों पर मतदान होगा तथा ब्रह्मपुर में बीडीसी पद के लिए 2 बूथों पर तथा जंगल कोड़िया में बीडीसी पद के लिए 1 बूथ पर मतदान होगा। उन्होंने बताया 9 बूथों के मतदान के लिए पोलिंग पार्टी को रवाना कर दिया गया है तथा पोलिंग पार्टी अपने अपने बूथ पर पहुंचकर रविवार को मतदान संपन्न करवाएगी। इस दौरान गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर बोल रहा हूँ। कल हमारे यहाँ 3 ब्लॉकों में पंचायत का ही मतदान हो रहा है। खोराबार में प्रधान पद का है, जो 6 बूथों पर होगा। ब्रह्मपुर में बीडीसी पद के लिए 2 बूथों का और जंगल कौड़िया में बीडीसी पद के लिए 1 बूथ का होगा। इस प्रकार से कुल 9 बूथों का 3 ब्लॉकों में चुनाव होना है। पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गई हैं और कल आशा है कल शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्पन्न होगा। प्रमाण पत्र पूर्व में जो चुनाव हुआ था, काउंटिंग हुई थी, उसके प्रमाण पत्र वितरित कर दिए गए हैं। अब प्रमाण पत्र को लेकर के कोई अवशेष नहीं है।